अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक दैट इज डिजिटल एंड एनालॉग कन्वर्टर्स. इन दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एनालॉग क्वांटिटीज. इन एनालॉग क्वांटिटीज वी विल डिस्कस एनालॉग वॉचेस एज वेल एज डिजिटल वॉचेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनालॉग वॉचेस we will discuss the definition or that what is analog watches. analog watches wo cheez hoti hai, yani ki agar hum usko define kare to sabse pehle hum ye kehte hain ki quantities increase or decrease ho jayengi continuously, yani ki ek aisi quantities ya aisi miqdaarein jo aapke paas increase bhi hoti hain aur aapke paas decrease bhi hoti hain, मगर शर्त क्या है कि वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हों, तो हम उनको क्या कहते हैं, एनालॉग वॉचेस कहते हैं. ये ऐसी क्वांटिटीज़ जो मतलब एनालॉग क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. अब हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनालॉग क्वांटिटीज़ में आती हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है डिस्टेंस आता है, टाइम आता है, इसके अलावा वेलोसिटी एंड टेम्परेचर. ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो डिस्टेंस है वक्त के साथ साथ आप जो है वो ज़्यादा दूर तक जाना है तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज़ भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है. टाइम किसी काम को करने के लिए ज़्यादा भी लगता है, कम भी लगता है. आप कहीं पर मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी, ज़्यादा वेलोसिटी से भी जाएंगे, कम वेलोसिटी से भी जा सकते हैं. इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस जो है वो इंक्रीज़ भी होता है एंड डिक्रीज़ भी होता है, यानी कि कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग्स आपके अंदर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ में आती रहती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइम ऑन अ रिस्ट वॉच, यानी कि जो हम हैंड में वॉच पहनते हैं, कैन बी फ्रॉम 0 to 1 आवर, यानी कि जो ये वाली जो वॉच हमको नज़र आ रही है, ये वाली वॉच, इसमें टाइम जो है हम 0 आवर्स से, ठीक है, हमारे पास 12 आवर तक हम लोग जो है टाइम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके अलावा चूँकि इस वॉच से जो हम जो टाइम मेजर करते हैं वो जो टाइम होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एनालॉग क्वान्टिटी, यानी कि हम टाइम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है. और जो ये वाली वॉच है ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास कहलाती है एनालॉग वॉच कहलाती है. नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल वॉच. अब हम ये देखते हैं कि डिजिटल वॉच क्या चीज़ होती है. डिजिटल वॉचेस जैसे कि आजकल जो हम मतलब रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, डिजिटल वॉचेस जो है ये आम घड़ी की सुई की तरह, जो ये डिजिटल वॉचेस होती हैं ये मतलब नंबर्स की तरह नहीं होती हैं. इसमें क्या होता है कि डिजिटल वॉचेस में आपके पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं, द क्वांटिटीज़ दैट डू नॉट चेंजेस कॉन्टीन्यूअसली, यानी कि आपको कॉन्टीन्यूअस ऐसे घड़ी की वो जो सुई की तरह आपको नज़र नहीं आता, क्या आपको जो है जो जो क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज होती हुई आपको कॉन्टीन्यूअस नज़र नहीं आती. बट द टाइम ऑन डिजिटल वॉच, ये कौन सी आपके पास वॉच है, डिजिटल वॉच है, डिस्प्ले जो आपको शो करेगा चेंजेस इन 1 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल घंटे तो 20 घंटे आपके पास चल रहे हैं, आपके पास जो यहाँ पर जो सेकंड 9 सेकंड है वो तब आएगा जब 8 पूरा अबाउट अ सेकंड, यानी कि 8 से जो है सेकंड जो है वो किस पे आ जाता है, 9 होता है, तो एकदम डिजिट जो है वो 0 से 8 पे चेंज होती है, यानी कि पूरा 1 सेकंड के बाद जो है ये डिजिट चेंज होता है. मगर जो सुई की जो एनालॉग वॉचेज़ होती हैं उनमें सुई की जो घड़ी होती है कॉन्टीन्यूसली इस तरह से साथ साथ नीचे की तरफ मूव करती रहती है. अब जो आपके पास मेन टॉपिक है वो आपके पास है, हमारे पास आता है एनालॉग वॉचेस. इस एनालॉग सिग्नल्स जो है, इस एनालॉग सिग्नल में हम ये देखेंगे कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं. एनालॉग सिग्नल्स रिप्रेजेंट कॉन्टीन्यूसली वेरिंग वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के हिसाब से आपके पास जो है जो सिग्नल हैं, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो आपके पास कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, वेरी करते हैं. वेरी का मतलब क्या होता है, ये आपके पास चेंज होते हैं, ठीक है. तो ऐसे सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं. जबकि डिजिटल सिग्नल्स आपके पास वो चीज़ें सिग्नल्स होते हैं जिनमें डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को बनाने के लिए आपके पास डिस्क्रीट ऑन एंड ऑफ की इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं. अब डिजिटल सिग्नल बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर्स, ठीक है,
बाइनरी नंबर्स जो हैं उसके ऊपर ये जो है ये डिजिटल सिग्नल्स बेस्ड करते हैं, और जो इसकी जो बेस होगी वो इन सिग्नल्स की वो आपके पास होती है बेस टू होती है। अब इसकी जो डिटेल जो आपके पास डिजिटल सिग्नल्स की एंड एनालॉग सिग्नल की है वो आगे आती है। हमारे पास आता है एनालॉग सिग्नल की एक्सप्लेनेशन। इस एनालॉग सिग्नल्स में अगर हम ये देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो इस माइक के अंदर जो है वो बोल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई अजान जो है वो दी जा रही है। इसमें क्या होता है कि इट जो ये जो आपके पास माइक है ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है सर्किट में प्रोड्यूस होता है, अब ये वाला जो सिग्नल होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो प्रोड्यूस हो गया, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो साउंड आपके पास चूँकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया है, तो अब वोल्टेज वेरी करता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज जो भी होगा उस साउंड का वो वेरी करता रहेगा, ठीक है। अब वो जो अपना जो जो साउंड है कि जो सिग्नल्स हैं वो अपना जब वोल्टेज वेरी करते रहेंगे तब इसको बाद इसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, इस एम्पलीफायर के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है ये आपके पास क्या चीज़ होती है। आपके पास अब ये जो एम्पलीफायर आपके पास है इसके अंदर ये होता है कि इसका काम होता है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिग्नल इतना छोटा है ना, तो ये वाला जो एम्पलीफायर अगर बीच में लगा होता है तो वो जो साउंड के सिग्नल को जो है वो इतना जो है वो बड़ा करना बड़ा कर देता है। यानी कि अगर वॉइस की का वोल्टेज या वॉइस की क्वालिटी लो है या कम है तो एम्पलीफायर उस वॉइस की पिच को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब ये चूँकि एम्पलीफायर जो ये आपके पास है, ये एम्पलीफायर आपके पास क्या कहलाता है, एनालॉग सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, एनालॉग सर्किट कहलाता है। अब ये चूँकि एनालॉग सर्किट कहलाता है तो ये जो एम्पली सिग्नल जो एम्पलीफाई हो चुके होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो आपके पास पिक्चर के अंदर इसकी जो शेप है ये आपको नज़र आ रही है, जो मतलब एम्पलीफाई होने से पहले, और ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, इन दोनों की जो शेप है वो आपके पास असल में क्या है, सेम है। अब शेप सेम होने की वजह से यानी कि ये जो एम्पलीफाई सिग्नल्स को जस्ट बड़ा करता है मगर उसकी शेप को चेंज नहीं करता है। अब चूंकि वो उसकी शेप को चेंज नहीं करता है तो इसके बाद आगे जो है ये एम्पलीफायर जो है असल में लाउड स्पीकर्स के अंदर ही लगे होते हैं, तो जो फर्दर जो लाउड स्पीकर्स होते हैं वो साउंड को और ज़्यादा लार्ज कर देते हैं, साउंड को क्या कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एनालॉग सिग्नल्स कहलाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं। डिजिटल सिग्नल कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो बेस यूनिट होता है, बेस जो है वो यूनिट आपके पास क्या होता है, बेस यूनिट इसका आता है आपके पास टू होता है। यानी कि आपके पास जो है ये एक मैथमेटिकली एक टर्म है जिसमें इसके जो चूँकि ये एक बाइनरी नंबर है तो इसकी जो बेस होगी वो आपके पास क्या होगी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये बेस नंबर टू किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के अंदर जो है अगर आप कहीं पर जो है लिखते हो 361 लिखते हो, तो अब जो इसका जो बाइनरी नंबर है मैंने आपको बताया था वो टू था, तो इसकी जो आपके पास बाइनरी सिस्टम के ज़रिए जो इसकी जो वैल्यू निकलती है तो वो इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में लिखते हो 361, अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये 361 जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले इसका हम जो है वो थ्रू आप निकालते हो एलसीएम लिखते हो। अब 361 का जो अगर हम एलसीएम निकाले तो जो है वो आपके पास 180 और इसका आगे रिमाइंडर बचता है 1, फिर इसको हम फर्दर 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आता है कि ये 2 पे 180 2 पे बिल्कुल डिवाइड हो जाता है और आपके पास आता है 90 और पीछे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता। इसके अलावा फिर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, 4 2 ज़ा 8 है, ठीक है, और 5 2 ज़ा आपके पास क्या आता है 10 और रिमाइंडर में आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। फिर अगर हम मसफर्दा ले लेते हैं तो इसका अगर हम लिखते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड इसके अलावा आपके पास 2 5 ज़ा
सॉरी यहाँ पर फिर टू टू ज़ा फोर, फिर टू टू ज़ा फोर रिमाइंडर में आपके पास, फिर बचता है वन बचता है, फिर टू पे करेंगे टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, फिर हम टू से करेंगे टू फाइव ज़ा आपके पास कितना है टेन और रिमाइंडर में कितना बचा वन बचा, फिर आप इसको टू से करेंगे टू टू ज़ा फोर आता है ठीक है, इधर आता है आपके पास। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर टू टू ज़ा फोर और रिमाइंडर में क्या बचा वन बचा, फिर इसके बाद टू पे से करेंगे टू वन ज़ा आपके पास कितना है टू और फिर ज़ीरो से करेंगे, फिर लास्ट में इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर में कितना बचता है वन बचता है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में अब ये मतलब आप ये रीडिंग किस तरह से जाएगी, अब ये जाएगी ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन आता है। तो हम इसको आप किस तरह से लिखते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ से पहले नीचे से शुरू आएंगे, हम लिखेंगे ज़ीरो ठीक है, हमारे पास आएगा वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन आता है ठीक है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में 361 का मतलब होता है ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन जो है ये इस तरह से जो है इसकी लैंग्वेजेस में आता है। तो ये अब आपके पास क्या कहलाते हैं, तो असल में ये जो होते हैं ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अब ये जो आपके पास है ना ये आपके पास क्या कहलाती है, बाइनरी कोडिंग कहलाती है ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये बाइनरी कोडिंग तो कहलाती है, कोडिंग लाइक फिगर्स में है एंड देन कन्वर्ट इनटू अ वोल्टेज पल्सेस में कन्वर्ट करती है, इसके बाद जो है जो मैसेज जो होता है वो जो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो मैंने बताया था कि ये जो वो इस कुछ इस तरह से आपके पास होते हैं ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं, मगर जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होते। देखिए ऊपर से भी एक जैसे और नीचे से भी एक ही जैसे हैं, मगर विद रिस्पेक्ट टू जो है वो टाइम के हिसाब से ये सिग्नल्स की जो है वो क्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती।